तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का जो नवंबर महीने का यानी कि नवंबर 2023 का बिल जो है वो जनरेट हो चुका है, और टोटल बिल जो जनरेट हुआ है वो 20,673 रुपये का है, और मुझे जो मिनिमम जो अमाउंट पे करना है वो 1,040 है, और इसके पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। अभी जो डेट हो रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अभी 27 नवंबर हो रहा है यानी कि 27 नवंबर, तो मैं जो हूँ करीब 12 से 13 दिन पहले ही इस क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पेमेंट करने वाला हूँ। तो बिल पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से पेटीएम को ओपन कर ले, और मेरा जो बिल था टोटल मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, 20,673 रुपये था, और मैंने जो है अपने पेटीएम वॉलेट में 21,000 रुपये पहले से ऐड करके रखा है। मैं पेटीएम वॉलेट को इसीलिए यूज करता हूँ क्योंकि इसका जो सेटलमेंट है 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, तो आपका जो अमाउंट है वो फिर से खर्च करने के लिए अवेलेबल हो जाता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए सबसे पहले आप बैंक आ जाना, और आपको यहाँ पे होम पेज पे ही क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जितने भी क्रेडिट कार्ड आपका पहले से यहाँ पे सेव है उसका लिस्ट शो कर दिया जाएगा। अगर आपका नई 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 क्रेडिट कार्ड सेव नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के यहाँ पे सेव कर लेना है। मेरा कार्ड पहले से सेव है तो यहाँ पे मैं पे मोर पे क्लिक करूंगा, यानी कि HDFC बैंक का आप देख सकते हैं ऊपर में भी आपको जो है वो पेटीएम फर्स्ट क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जो पेमेंट करना है वो 20,673 रुपये पे करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर मिलते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऑफर देख ले। मेरे अकॉर्डिंग ये वाले जो कैशबैक है मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कैशबैक जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसके बाद आपको अप्लाई ऑफर पे क्लिक कर देना है, तो आप जैसे ऑफर पे क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन टिक लग चुका है 20,673 रुपये, और मेरे क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे डिटेल शो हो रहा है। तो पेमेंट करने के लिए सिंपली मैं प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दूंगा, और ये आपको जो है देख सकते हैं पेमेंट पेज पे ले गया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पेटीएम से ही पेमेंट कर सकते हैं यानी कि वॉलेट से, क्योंकि आपने वही वाला ऑफर सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पे पे क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेटीएम का कोड पूछ रहा है, अगर 5,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन होता है तो पेटीएम आपसे कोड पूछता है, तो मैंने कोड यहाँ पे टाइप कर दिया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। और ये जो वॉलेट से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट रिसीव हो गया, देख सकते हैं पेटीएम HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का इंस्टेंट यहाँ पे मैसेज आ गया है। हालांकि यहाँ पे 5 मिनट बताते हैं, लेकिन पेटीएम का ही ये क्रेडिट कार्ड यानी कि पेटीएम HDFC बैंक के साथ लिंक करके ये क्रेडिट कार्ड निकाले हैं, तो इसीलिए इनका जो पेमेंट है इंस्टेंट हो जाता है अगर आप वॉलेट से करते हैं तो। और यहाँ भी देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड का जो बिल है HDFC को सक्सेसफुल जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, उसका मैसेज शो कर रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड आपको काफी नॉलेजेबल वीडियो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।